Ladies first. So we're really happy. There were some roadblocks to the film releasing, and finally, ab 30th ko film release ho rahi hai, and we're glad that all of you have come. Sorry to have kept you guys waiting. KK was supposed to be here, but he's had a tragedy in his family, because of which he's not making it right now. He's actually trying to make it, but he's kind of at a little distance away. So he's driving. We may still see him, but we're not certain that he'll make it in time. Please feel free to ask us whatever you want. Manish, our director, is here, who's been at it for 11 months. And we're really, really, really happy that the film is coming out on the 30th. Please feel free to ask us whatever you like. That's the wrong term, actually. I am not here to take vengeance or seek vindication. I'm just relieved that finally the film is releasing. सबने ही बहुत एफर्ट डाला है इसमें पिछले दो तीन साल से हम सब लगे हुए हैं सारे टेक्नीशियंस कास्ट द प्रोड्यूसर्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स वाईकॉम 18 सब हम बहुत मेहनत कर चुके हैं इस पर तो ये मुझे ये रिलीफ है कि अभी फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है तो इसमें विंडिकेशन जैसा कोई नहीं है मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है मैं ये भी कहना चाहूंगा मुझे इस मोमेंट पर ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे पिछले 11 महीने की तपस्या अभी पूरी हुई है क्योंकि पिछले 11 महीने से मैं बस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही मारता आया हूं मैंने कोई काम नहीं किया कोई फिल्म लिखी नहीं कोई फिल्म बनाई नहीं बस इसी मामले में मैं लगा हुआ था तारीख तो 11 महीने के बाद ये जो मेरी मेहनत है कोर्ट में जो हमने काम किया वो अभी उसका फल अभी मिलाया मैं तो बस मैं आई एम ग्रेटफुल टू द इंडियन जुडिशरी के उन्होंने जस्टिस किया है मनीष पूरा ब्रीफ जानना चाहेंगे कौन सा केस था कैसे दरअसल हमारी फिल्म रेडी थी जनवरी 2014 में रेडी हो गई थी तो हम मार्च में रिलीज का देख रहे थे तब हमारे पर फरवरी 2014 में ये केस हुआ ये केस किया था मिसेस नुपुर तलवार ने ये कहकर कि हमारी फिल्म उनकी बेटी आरुषि के मर्डर पर यू नो ऐसा इनका ये आरोप था तो उसके खिलाफ फिर केस हुआ फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ और तब से अब तक हम केस लड़ते ही आए हैं फाइनली अभी हमें कल दोपहर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और हमें गोहेड मिला रिलीज का तो बस यही कहानी है बहुत छोटी सी कहानी है बट कुछ लंबी खिंच गई जजमेंट में क्या लिखा उन्होंने जज ने क्या लिखा कुछ बताएंगे ये तो आपको जुडिशरी बेहतर बता सकती है बट एक आपको कॉपी मिली होगी ना सर हाँ आपको मैं कॉपी ईमेल करवा दूंगा लेकिन आपको मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि हमारा भी यही स्टैंड था कोर्ट में और जज ने भी ये अग्री किया कि कोई केस बनता नहीं है इस फिल्म की को रोकने के लिए क्योंकि इस फिल्म की कहानी किसी भी असली केस या किसी भी जीवित या मृत इंसान से कोई मिलती जुलती नहीं है ये एक फिक्टिशियस काल्पनिक कहानी है जो कि मैं शुरू से कहते आया हूं और जज ने भी अग्री किया तो बस यही है आपने उनको फिल्म भी दिखाई थी स्क्रीनिंग की थी मार्च में पिछले साल क्या कुछ ऐसा किया था आपने जी मैंने स्क्रीनिंग करवाई थी तो उनकी फैमिली मेंबर्स ने स्क्रीनिंग देखी लेकिन देखकर भी वो संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे केस से मिलती जुलती हैं तो मैंने ये बस यही कहा कि बस कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपके केस पे फिल्म बनाने की हमने काल्पनिक कहानी बनाई है तो लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं रहे और वो फिर भी केस लड़ते रहे इसका आपसे जानना चाहूंगा आप कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं कहां इधर हूं सवाल कहां इधर इधर रहस्य एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म जब मैंने फिल्म देखी मनीष ने एक खुफिया तौर से डीवीडी मुझे भेजी अपने असिस्टेंट को मेरे घर के नीचे वेट करवाया और कहा कि जैसे फिल्म देख लो डीवीडी नीचे भेजो तो इस तरीके से ये काम हुआ और जब मैंने फिल्म देखी तो आई वाज शूट करने और फिल्म के देखने के बीच में देयर वाज अबाउट अ इयर्स गैप जैसे मनीष ने बताया अभी थोड़े ही दिन पहले देखी आई वाज अमेज्ड क्योंकि आप एक वक्त बीत जाता है आप और फिल्में शूट करते हैं और आई सॉ द फिल्म एंड आई वाज सो हैप्पी एट द वे इट्स सो टाइट मुझे एंड पता है मुझे पता है क्या होता है फिर भी आई वॉज ग्रिप्ड विद वॉट वॉज गोइंग ऑन इट इज गोइंग टू बी
वेरी वेरी ग्रिपिंग एंड इंटरेस्टिंग वॉच. मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि फिल्म्स एक तरह से सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जिसका मन करता है वो कोर्ट केस कर देते हैं फिल्म पे. और क्योंकि फिल्म एक वीकेंड या दो वीकेंड्स पे, फिलहाल जो हाल है कि दो वीकेंड्स या तीन वीकेंड्स पे एक फिल्म की रिकवरी होती है, बहुत सारा पैसा लगा होता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी होती है. तो लिटरली आई वॉज डिप्रेस्ड, क्योंकि जब मुझे पता चला कि 30 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और फिर कुछ ही दिन पहले उसके पब्लिसिटी का जब हमने दौर शुरू किया तो हमें पता चला कि रिलीज नहीं हो पा रही है. आई वॉज सो डिप्रेस्ड, बट आई जस्ट केप्ट क्वाइट, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैं तो और भी फिल्में कर रही हूँ, पर मनीष एक ही फिल्म कर रहे हैं और वो इस फिल्म के ऊपर ही पिछले 11 महीने से लगे हुए हैं. और ये 11 महीने शूटिंग में नहीं थे, लिखने में नहीं थे, ये कुछ बेकार की बातों में लग गए. तो आई जस्ट फील दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ लॉ और सम काइंड ऑफ रूल व्हिच प्रिवेंट्स दिस काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ फिल्म्स, जिसका मन करता है उठ के कोर्ट केस कर देते हैं ऑन अ फिल्म. और फिर फिल्म मेकर्स जो हैं, वेदर दे आर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, बिकॉज उनके लिए वो वीकेंड या वो रिलीज डेट बहुत अहमियत रखती है. That's my honest feeling. Actually, आप लोगों ने जितने भी कैरेक्टराइजेशन किए हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं. हेमराज का भी कैरेक्टर आपने इस फिल्म में डाला है, तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आरुषि हत्याकांड के बारे में आपका क्या टेक है पर्सनली? पर्सनली आरुषि मर्डर केस वॉज समथिंग विच ग्रिप्ड द एंटायर नेशन. अब भी अगर लोग उसके बारे में बात करते हैं तो लोगों को एक जानने की जिज्ञासा होती है कि उधर क्या हुआ, क्या था. इट्स अ रियल लाइफ हैपनिंग जो हमारे सामने, हम लोगों की नज़रों के सामने हुई है. आप मीडिया ने इसके बारे में बहुत बातें की हैं, पर एक काल्पनिक कहानी जो मनीष ने लिखी और जो मुझे सुनाई, तो उसका कोई लेना देना नहीं है उससे. कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं. आई मीन आई डोंट नो दैट, मुझे तो नहीं लगा. अगर आपको ऐसा लगता है तो आई मीन आपने फिल्म देखी है? हाँ, पर आप देखिए फिल्म और देन यू टेक अ कॉल कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है. मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक मनीष को लगता है. अगर किसी नौकर का कैरेक्टर है तो वह जरूरी नहीं है किसी वास्तविक इंसान से मिलता हुआ कैरेक्टर है. जिसका पिछले कई टाइम से हम आपको देख रहे हैं, थ्रिलर मिस्ट्री, भले वो टीवी सीरीज 24 हो, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस है, और अब ये रहस्य, तीन मिस्ट्री और थ्रिलर के साथ जुड़ना, मतलब क्या है इसके पीछे, कुछ रीजन है कुछ? एक्चुअली तारे जमीन पर के बाद आई थिंक मैं थोड़ी सी मम्मीफाई हो गई थी. सबने मेरे को एक बहुत ही संजीदा और रोती हुई माँ के रोल में देखा. फ्रैंकली दैट इज़ नॉट मी एट ऑल. आई एम क्वाइट द ऑपोजिट एज मनीष विल टेल यू. ऑलरेडी उसने हंसना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता है कि ये बिल्कुल भी जो पात्र करती है उससे कुछ मिलती जुलती नहीं है. फ्रैंकली आई शुड जस्ट बी डूइंग कॉमेडीज, बट आई ट्रूली इन्जॉय थ्रिलर्स, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड थिंग विद मी. रिसेंटली देर वॉज एन अमेरिकन सीरीज कॉल्ड ब्रेकिंग बैड, जो कि जिसने मुझे बिल्कुल ही दीवाना कर दिया था. आई वॉज वॉचिंग इट टू द पॉइंट के रात के 4-5-6 बजे तक देखती थी, और अगले सुबह आई टू कॉल अप पीपल और टेक्स्ट देम एट नाइट एंड से सॉरी आई कॉन्ट मेक इट टू द मीटिंग, मेरी तबियत ठीक नहीं है, बिकॉज आई हैव टू गेट अप एंड वॉच इट ऑल ओवर अगैन. सो आई वॉज ग्रिप्ड विद दैट. आई लव थ्रिलर्स एंड आई एम डिलाइटेड दैट आई एम पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक रहस्य, विच इज such a, when you see it, you'll know what I'm saying is true. It's a very edge of the seat. You know, there's six suspects. Five main and one other. So, koi bhi ho sakta hai. Kisne kiya hai, kyun kiya hai, this keeps you thinking. It's a very intelligent film and I'm very, very, very happy. So that's the reason. I love thrillers. It did. Of course it did, and I will always be thankful for that. But ये आप लोगों की का काम है कि एक ही रोल में आप फिर ऐसे एकदम चिपक जाता है वो आपको, and that's kind of not the way any actor wants to go about their life. They wanna आप एक as a actor you can't like a singer singing in one rag. Imagine how dull. Imagine if you had to do only one kind of story for the rest of your journalistic career. That'd be so defeating the purpose, right? It's given me success, but then, you know, as I'm talking about me, if it gives you success and you want to do that, I'm very happy for you. You have a lot of patience. I don't. I've got no patience with doing the same stuff all over again. I want to do different things and I want to do mad and crazy and different things. That's why I became an actor. Otherwise, I'd be in a 9-to-5 job. My
आशीष, मैं मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी फिल्म एक साल लेट हो गई है, तो क्या आपने ये सोचा है कि तलवार फैमिली के खिलाफ आपको कुछ करना है या उनके लिए आपका क्या टेक रहेगा, क्योंकि उनकी वजह से आपका वक्त काफी बर्बाद हुआ है जी। बट मेरा मानना है जैसे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो कोई बदले की भावना रख के हमें कोई उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमें नुकसान इस हद तक हुआ है कि उस नुकसान का हम कभी वापस हमें इट्स इरिपेरेबल, वो कभी वापस नहीं आ सकता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे 11 महीने इस केस को लड़ने में गए, उस दौरान मैंने कोई और काम नहीं किया, मैं और कोई काम कर नहीं सका। अब मेरे जिंदगी का ये एक साल जो गया है, ये मुझे वापस नहीं मिल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कॉम्पनसेशन हो, ये एक साल है जो मेरा टाइम का, वो मुझे वापस नहीं मिल सकता, तो ये इरेपेरेबल है। जो प्रोड्यूसर को और डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान हुआ है वो भी इरेपेरेबल है। मैं आपको समझाता हूँ, हमने एक प्लान बनाया था कि हमको एक सर्टन डेट पर रिलीज करनी है, लेकिन वो हो नहीं पाया, केस की वजह से हो नहीं पाया। फिर हमें पब्लिसिटी फिर से चालू करनी पड़ी, फिर एक नई रिलीज डेट फिक्स हुई, फिर जो हियरिंग थी वो इतनी करीब आ गई थी रिलीज डेट से कि हमने सारी एडवर्टाइजिंग रोक दी, केस की वजह से हमने सारी एडवर्टाइजिंग रोक दी। फिर जब हम केस जीते तो हमने फिर से चालू की एडवर्टाइजिंग। ये करते करते हमारा सारे फंड्स जो थे पब्लिसिटी के वो खत्म हो चुके, तो इससे जो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा भारी, करोड़ों की तादाद में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता हूं, बट मैं ये चाहता हूं, जैसे डिस्का जी ने कहा कि फिल्म्स जो हैं आजकल सॉफ्ट टारगेट बन गई हैं। कोई भी फिल्म है, जैसे पीके ले लो, ब्लैक फ्राइडे ले लो, मेरी फिल्म ले लो, और अनगिनत ऐसी फिल्में हैं जिन पर कोई ना कोई बंदा केस कर देता है। इससे फिल्म मेकर को भी नुकसान होता है, दर्शकों को भी नुकसान होता है, प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, फिल्म से जुड़े हर किसी आदमी को नुकसान होता है। जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन हैं, हमारी 3 प्रोड्यूसर एसोसिएशन हैं इंडिया में, हमें मिलकर कुछ ऐसा एक रेगुलेशन बनानी चाहिए कि अगर कोई केस होता है फिल्म पे और अगर उस केस का कोई बेसिस नहीं है तो ये दिस शुड नॉट बी अलाउड, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करता है ऐसा केस और ये प्रूव होता है कोर्ट में कि उसने गलत केस किया, तो उस पर कोई पेनल्टी लगनी चाहिए। इस तरह से फिल्म को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी फिल्म एक उदाहरण बन सकती है कि ऐसा कुछ किसी और फिल्म मेकर के साथ नहीं हो, तो मुझे लगता है कि मेरा बदला मिल चुका होगा। Somebody here was saying something. मनीष जी, आपने बोला कि नुकसान होता है, एक साल लगता है, कभी कभी स्क्रिप्ट लिखने में भी 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि पीके की स्क्रिप्ट राजकुमार हिरानी ने 5 साल में लिखी, तो आप इस चीज को इस तरह से भी मोजर कर सकते हैं कि मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ और एक साल मैंने एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट को दे दिया? आपने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं। मैंने 11 महीने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, 11 महीने मुझे कोर्ट में केस लड़ने को लगे। स्क्रिप्ट मैंने कुछ 5 साल पहले लिखी थी। I have no idea. They would know that better. I have no idea.